चलो जय हिंद गाइस, शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कौन से टॉपिक्स हम लोग जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मनरेगा के बारे में, आपको आइडिया है थोड़ा बहुत? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का ये कानून था। हमने डिस्कस भी किया इस पर्टिकुलर कानून को। इसमें क्या होता है, इस कानून के अंदर थोड़ा बताओ कुछ जो भी याद आ रहा हो मनरेगा से रिलेटेड। देखो क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो मतलब कि रूरल एरियाज मतलब गांव क्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट मतलब गांव क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है। और कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है? 100 डेज, 100 डेज है ना। तो 100 डेज की जो है वो गारंटी दी जाती है। तो अभी आपको ऑलरेडी जो है पता है कि कुछ समय पहले मनरेगा का फंड जो है वो खत्म हो गया था, और अभी भी हमें देखने को मिल रहा है बजट 2023-2024 में इसका फंड जो है वो कम कर दिया गया है। सो ये तो बहुत ही खराब चीज है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर पिछले साल की अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में मनरेगा का फंड ऑलरेडी खत्म हो चुका था। मतलब जितना फंड एलोकेट किया था पूरा एम्प्टी हो गया था, वर्कर्स को पैसे नहीं मिल रहे थे, ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे थे। और अगेन फिर से ये इश्यूज है वो सामने आ गए, राइट? हेलो, यस, सर मैं अभी एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ, आप प्लीज मुझे 7 बजे के बाद कॉल करिएगा। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि तीन कंट्रीज जो है वो कॉपरेट कर रही है, यानी कि एक साथ इनकी बैठक डायलॉग्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, बातचीत देखने को मिल रही है। तो क्या बातचीत हुई है या होगी, फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होंगे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वेटलैंड्स क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटलैंड्स? एनवायरमेंट पढ़ा था ना हमने, वेटलैंड के बारे में किस चीज को बोलते हैं वेटलैंड? नहीं, दलदल, जो दलदल वाला कीचड़ वाला जो एरिया हम लोग को जो है मेनली देखने को मिलता है। और एक्चुअली क्वेश्चन एक है, हमने एनवायरमेंट में भी जो है वो कवर किया था कि कितने मीटर तक के पानी को वेटलैंड जो है वो घोषित किया हुआ है, कितने मीटर से ऊपर पानी होगा तो वो वेटलैंड हो, मतलब नीचे होगा तो वेटलैंड होगा। किसी को आइडिया है, किसी को याद है कुछ? और वेटलैंड एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस होता है जहां पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी प्रजातियां वहां पर होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, बहुत ज्यादा, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। रिवर जो सी से मिलती है? नहीं, गलत। जरूरी थोड़ा है कि रिवर जो सी से मिलेगी वहीं पर वेटलैंड होगा। किसी को आइडिया है? अपन ने एनवायरमेंट में डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा था कि 3 मीटर से ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेक्स, लेक्स की कैटेगरी में जाएगा, उसके नीचे वाला एरिया जो होगा वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में आएगा, राइट? और इंटरनेशनली शायद 4 मीटर जो है वो घोषित किया हुआ है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो याद रखना। अब अच्छा, हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर क्या होती है? पानी से जो बिजली बनती है, राइट? तो उससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, हाइड्रो पावर जनरेशन से रिलेटेड। अब एक मुओन्स करके है, स्पेस से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। फिर हम लोग करंट अफेयर्स की क्विज को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस फंड्स फॉर मनरेगा इन बजट 2023-2024, तो ये काफी गलत हुआ एक प्रकार से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 2022 में ऑलरेडी बजट शॉर्टफॉल था मनरेगा का, तो फंड जो है मनरेगा के बजट में हम लोग को देखने को मिले हैं रिड्यूस किए गए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है बजट मनरेगा का, मनरेगा की स्कीम 60,000 करोड़ रुपीज का बजट 2023-2024 में हम लोग को देखने को मिल रहा है, और नए एलोकेशन में 33% कम है 2022-2023 के बजट में 89,000 करोड़ रुपीज जो है वो रखा गया था, और ये 18% भी कम है, इवन बताया जा रहा है कि 73,000 करोड़ फॉर द सेम ईयर, यानी कि 73,000 करोड़ रुपीज जो है वो जो अलॉट किया उसके बाद जो आए हैं, जो फंड जो रिसीव हुआ है, तो यानी कि मतलब सिंपल शब्दों में कि बहुत कम इस बार बजट जो है उन्होंने मनरेगा के लिए रखा है, जो कि काफी खराब चीज है। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज नहीं है जो इस बार के बजट में मनरेगा से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। और जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं बजट से रिलेटेड बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, राइट? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है सिविल सर्विसेज में, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये दो चीज ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और पूरा जो फरवरी और इवन मिड मार्च तक का महीना है ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ही रिपीटेड टॉपिक्स जो है वो नजर आएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स इनसे रिलेटेड नजर आ रहे हैं उस पर बिल्कुल अच्छे से कमांड डेवलप करके रखो। तो गवर्नमेंट ने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, मतलब ये बोल रहे हैं कि अब हम जो है वो
अब देखो यार, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने, ठीक है आप रूरल एरियाज पे इन्वेस्टमेंट करो, बट मनरेगा के थ्रू ही तो आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे। मतलब आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करोगे तो मनरेगा के वर्कर्स तो होंगे वहां पर बनाने के लिए। अब देखो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए वर्कर्स की तो जरूरत पड़ती है, और अगर मनरेगा का बजट कम हो गया तो दैट मीन्स कि वर्कर्स ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे आप डेवलपमेंट कर पाओगे उस क्षेत्र का? दिस इज द मेजर इशू जो अभी हम लोग को इस बजट के अंदर देखने को मिल रहा है। एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो इस बात से? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मनरेगा जो है वो डिमांड ड्रिवन स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, और वो जनरेट करती है परसेंटेज, वो डिपेंड करता है डिमांड, यानी कि काम होगा तभी जो है वो होगा। तो इसलिए लोग मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, बट अगर पिछले साल को देखा जाए तो पैसा था ही नहीं मनरेगा के अकाउंट में, फंड्स में, और अब आपने और पैसा जो है वो कम कर दिया, तो और सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट होने की संभावना है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने की संभावना है। जो बजट जो है मनरेगा का, ये 2020 और 21 में हाई था, और ड्यू टू COVID-19 ये चीज उन्होंने जो है वो बोली है, राइट, बट ये गलत है। अभी नहीं, इनको मतलब पिछले साल का तो एटलीस्ट मेजर क्राइसिस तो देखना चाहिए था, उस अकॉर्डिंग बजट बढ़ाना चाहिए था, ये गलत किया है लोगों ने। एनीवेज, द गवर्नमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक हैड डिप्लॉयड टू मेजर सोशल सेफ्टी नेट्स, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मनरेगा टू हेल्प वल्नरेबल सेक्शन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो देखो पेंडेमिक जब आ गया था तो लोग बेरोजगार हो गए थे, तो सरकार ने बोला कि चलो बेरोजगारी के समय पे हमने इस पर बजट बढ़ा दिया, बट बजट बढ़ाने के बावजूद भी तो शॉर्टफॉल हुआ है, तो वो तो एक मेजर क्राइसिस हो सकता है इस साल मनरेगा के लिए। तो मनरेगा के लिए इट इज नॉट अ वेरी हैप्पी न्यूज इस साल के बजट के अंदर। आगे की बात करें, मनरेगा ने जनरेट किया है एक रिकॉर्ड 389 करोड़ परसेंट डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का 2020-2021 में, और 363 करोड़ रुपीज पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड जो है वो जनरेट किया था 2021-2022 में। सरकार के अकॉर्डिंग लोअर बजट मनरेगा का जो है वो उस अजम्पशन के ऊपर आधारित है कि इकोनॉमिकली जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो गई है पैंडेमिक से, कुछ नहीं है भाई, गलत किया लोगों ने। हाउएवर द कंसोर्टियम ऑफ एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक्स हैव डिमांडेड एन एलोकेशन ऑफ कितने 2.72 लाख करोड़ फॉर द स्कीम। तो अभी कितने करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं? 60,000 करोड़। और देखो एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट जो है वो बोल रहे हैं, यानी कि जो लोग होते हैं ना जो सपोर्ट करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसका एटलीस्ट बजट जो है वो 2.72 लाख करोड़ रुपीज जो है वो होना चाहिए, राइट, जब ही आप जो है वो 100 डेज का वर्क जो है वो सभी हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करा सकते हो। एंड हु हैव वर्कड इन द करंट ईयर विद इवन 40 डेज ऑफ वर्किंग रिक्वायरिंग फंडिंग ऑफ रुपीज 1.24 लाख करोड़। मतलब दिक्कत हो सकती है इस बार, बहुत मेजर जो है वो इशू जो है वो आने की संभावना है। और देखो इसलिए क्रिटिसाइज भी जो है वो किया हुआ है एक्टिविस्ट, जो हम लोग को पीपल्स एक्शन ऑफ स्टेटस गारंटी और नरेगा संघर्ष मोर्चा के देखने को मिल रहा है, उन्होंने स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया, और मैं भी इसको क्रिटिसाइज ही कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा मूव नहीं है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि रूरल एरिया में आप डेवलपमेंट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आओगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्कर्स सही, और वर्कर्स फिर कहाँ से लेकर आओगे? बहुत बड़ा इशू है ये। और इवन एलोकेशन को क्रिटिसाइज इवन और भी काफी सारे, यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा भी जो है वो किया गया है, ठीक है। लेस देन 3% ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉयड अंडर मनरेगा कंप्लीटेड द 100 डेज ऑफ वर्क दे आर लीगली एंटाइटल्ड टू विद द एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड बींग ओनली 42। मतलब देखो सोचो आप कि लोगों को सिर्फ 42 डेज की ही जो है वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रही है, राइट, दिक्कत है भाई। अब मनरेगा की बात करते हैं, तो मनरेगा के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, एक जनरल सा रिवीजन कर लेते हैं। 2005 का ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना गरीबों को। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक वर्कफेयर प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलता है पूरे दुनिया भर में, सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो रूरल क्षेत्र में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो एटलीस्ट 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है एक साल में। इस प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायत जो है वो डिसाइड करती है, या ग्राम सभा स्पेशली, दे डिसाइड कि कौन सा किस वर्क को जो है प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब गांव के अंदर कुआं पहले बनाना है या रोड पहले बनानी है, ग्राम सभा विल गोइंग टू डिसाइड। लीगल राइट्स की बात करें तो एक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है एक लीगल राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर एक जो गांव क्षेत्र का घर है उसमें एक अडल्ट व्यक्ति को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले। वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी जो है वुमेन होनी चाहिए, तो ये सब प्रोविजन इस कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और वेजेस जो है मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द वेजेस स्पेसिफाइड फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि जो एग्रीकल्चरल लेबर को जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा उनको भी मिलेगा, राइट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत। और एम्प्लॉयमेंट जो है 15 दिन के अंदर शुरू हो जाना चाहिए, जैसे कि आज एक वर्कर ने एप्लीकेशन दी है तो 15 दिन से वो कंसिडर किया जाएगा कि वो जॉब पे आ गया है, भले उसको जॉब अलॉट ना हो बट पेमेंट उसको मिलेगी। फिर इसके अलावा ग्राम सभा जो है वो रिकमेंड करते हैं कार्य को, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी जो है बता दिया।
सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, प्रोग्राम जो है वो काफी सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कि जब जॉब नहीं मिल पा रही है, यानी कि वर्क नहीं मिल पा रहा है तो उनको अलाउंस जो है वो मिलेगा, राइट। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। दिक्कत है यार, फंड्स की बड़ी दिक्कत है, करप्शन भी इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, पेमेंट्स पे डिले हो जाता है, अवेयरनेस नहीं कई लोगों को मनरेगा से रिलेटेड। आज भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पेपर पर हम लोग को देखने को मिलती है, रियल प्रैक्टिस जो है वो नहीं है। इंपॉर्टेंस मनरेगा की जो है वो क्या है, तो गांव क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए हमें देखने को मिलता है। महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, राइट, क्योंकि 1/3 महिला हम लोग को देखने को मिलती है कि इसमें जॉब जो है वो 1/3 महिलाओं को दी जाती है, और मनरेगा का डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है और इंप्लीमेंटेशन है वो इंश्योर करता है कि प्रोग्राम जो है वो पार्टिसिपेटरी हो, इंक्लूसिव, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर ग्राम सभा जो होती है वो, ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं, गांव क्षेत्रों में ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, गांव के कौन लोग स्पेसिफिकली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम सभा के अंदर जो मेंबर्स जो होते हैं ग्राम सभा के वो कौन लोग होते हैं, आपने बोला गाँव के लोग, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बताओ प्रॉपर डेफिनेशन बताओ क्या होगी कि गांव के अंदर ग्राम सभा में कौन मेंबर्स होते हैं, बताइए। पंच नहीं, 18+, यस एग्जैक्टली। तो जो भी एडल्ट्स होते हैं 18+ की जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो रहते हैं, ठीक है। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस, तो ये प्रोवाइड करा देगी, जैसे कि ड्यूरेबल, ड्यूरेबल किस चीज को बोलते हैं हम लोग, ड्यूरेबल एसेट, ड्यूरेबल टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, लंबा चलने वाला, लंबा चलने वाला, कि लोग जैसे रोड बनाते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब और क्या किया जा सकता है, तो इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर करो, राइट, ट्रांसपेरेंसी बढ़ावा का जो प्रॉब्लम है वही इसके सोल्यूशन है। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, स्पेशली बजट बढ़ाने की जो है वो सख्त आवश्यकता हम लोग को देखने को मिल रही है। लोगों को अवेयर करो, इंश्योर करो, जैसे मनरेगा जो है उसको इंटीग्रेट कर दो दूसरी रूरल डेवलपमेंट स्कीम और प्रोग्राम्स के साथ, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, क्लियर, मनरेगा से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, इंडिया यूएई और फ्रांस का ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएई और फ्रांस को ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव के लिए इन द फील्ड इंक्लूडिंग एनर्जी, डिफेंस एंड इकोनॉमी। तो याद रखना ये तीनों कंट्रीज, इंडिया, यूएई और फ्रांस हम लोग को देखने को मिल रही है। ये तीन कंट्रीज जो है वो मिलकर किन एरियाज पर काम करेंगी, एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी के फील्ड पर काम करेंगी। ये ट्राइलेटरल जो है वो पहली बार डिस्कस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में सितंबर 2022 में, यानी कि 2022 में उन्होंने डिसाइड किया था ये तीन कंट्री एक साथ जो है वो जुड़ेंगी। और ये इनिशिएटिव फोकस करेगा न्यूक्लियर और सोलर पावर एनर्जी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के ऊपर, डिफेंस प्रिपरेशन के ऊपर और इन्फेक्शियस डिजीज को काउंटर करने के ऊपर। एजेंडा ट्राइलेटरल कोऑपरेशन का हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म या फिर एक फोरम के तौर पर काम करेगा जो कि प्रमोट करेगा कि कैसे हम जो है वो एनर्जी की फील्ड में जो है वो कॉपरेट कर सकें, राइट, और फोकस कर सकें सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी में। ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा वही क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने में, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करने में, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन में। और तीनों ही साइड्स जो है, यानी कि तीनों ही कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी, पढ़ाया हुआ है मैंने, बताओ किस चीज को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी होती है सर्कुलर, बताओ भाई कौन बताएगा, What do you understand by circular economy? थ्री आर, क्या क्या है थ्री आर, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। अरे रिफ्यूज, चौथे नंबर पर रिफ्यूज नहीं लिखना है, पहले नंबर पर रिफ्यूज होता है, पहले नंबर पर होता है रिफ्यूज। इसमें रिसाइकलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है, यस, वेरी गुड। इंडिया का मिशन है लाइफ, लाइफ मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ये अभी बजट में भी आया था, उसने मैंने पढ़ाया भी था, लाइफ मिशन, लोगों लाइफस्टाइल अपन ने डिस्कस किया था ना, मिशन लाइफ जो है, लाइफस्टाइल फॉर चेंज, कि लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो अडॉप्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, सस्टेनेबल तरीके से जो है वो एक्टिविटीज कंडक्ट करें, याद आ रहा है,
तो ये पॉइंट है. इन्होंने एग्री किया कि वो एक्सपेंड करेंगे अपना कॉपरेशन वेरियस इनिशिएटिव के थ्रू. मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये मैंग्रोव जो है वो किसमें हेल्प करते हैं पहले ये बताओ. इंडिया के अंदर मैंग्रोव है कहां पर है? सुंदरवन. वेरी गुड, सुंदरवन के अंदर मैंग्रोव है. और भी है मैंग्रोव्स, अंडमान ने निकोबार पे भी है, मैंने लिखवाया था ना आप लोग को. मैंग्रोव्स क्या हेल्प करता है, कैसे क्लाइमेट चेंज पर मैंग्रोव्स हेल्प करेगा? रूट्स उससे मतलब नहीं है ना, क्लाइमेट चेंज में कैसे हेल्प कर रहा है मैंग्रोव जो है वो. लिखा है ना मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, कैसे हेल्प करेगा ये क्लाइमेट चेंज में पहले ये बताओ. फ्लड, हाँ फ्लड में प्रोटेक्ट करेगा, सॉइल इरोजन में प्रोटेक्ट करेगा, और किस चीज में प्रोटेक्ट करेगा? साइक्लोन से प्रोटेक्ट करेगा, है ना. तो ये चीज है. तो ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पर भी काम करेंगे. कंट्रीज ने कॉपरेट किया कि डिफेंस पर काम करेंगे, काउंटर करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज को, राइट. प्रमोट करेंगे कॉपरेशन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गावी, द वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल फंड और UNITAID के अंदर, मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी पर ही फोकस करते हैं कि जो आने वाले समय में जो डिजीज होती है, कोई नई डिजीज ना आ जाए उस पर रिसर्च करते हैं. वन हेल्थ अप्रोच पर फोकस किया जाएगा. क्या होती है वन हेल्थ अप्रोच? देखो ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए और एक एक चीज पढ़ाई हुई है मैंने. बताओ जरा भैया कौन बताएगा वन हेल्थ अप्रोच, किसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच? मैं एक हिंट देता हूं, ये हिंट है क्या है ये बताओ. ये एनिमल है, ये ह्यूमन है, और ये क्या है? एनिमल प्लांट ह्यूमन. वाह, एनवायरमेंट बोलो भैया, एनवायरमेंट. एक एनवायरमेंट है. वन हेल्थ अप्रोच मतलब कि देखो ह्यूमन से एनिमल को डिजीज हो रही है, एनिमल से ह्यूमन को हो रही है ना. तो ये चीज हम लोग को क्या, ये डिजीज कौन सी होती है? जूनोटिक डिजीज होती है, और ये एनवायरमेंट में जो है फैली हुई है. तो तीनों का, तो मतलब वन हेल्थ अप्रोच मतलब तीनों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. एनवायरमेंट की हेल्थ अच्छी होगी तो ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी, ह्यूमन की होगी तो एनवायरमेंट की होगी और इसकी होगी एनिमल्स की, और एनिमल्स की होगी तो दोनों की होगी. मतलब ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड कनेक्टेड है, राइट, कि इनकी हेल्थ जो है वो सही रखना है. तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली. तो वन हेल्थ अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने पर काम करेंगे. डेवलप करेंगे लोकल कैपेसिटी बायोमेडिकल इनोवेशन के ऊपर, प्रोडक्ट करेंगे जो कि, और प्रोडक्शन उसका डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगा. ग्लोबल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुए क्लीन एनर्जी के लिए. एक मिशन लाइफ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस और दूसरे ग्लोबल सिटीजन जो है वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन लें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये चीज जो है वो अभी 2022 से 2028, अब ये नया टारगेट, एक नया फैक्ट आपको पता लग गया है कि मिशन लाइफ के तहत 2022 से 2028 तक एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस और दूसरे ग्लोबल सिटीजन मिलकर इंडिविजुअल या कलेक्टिव लेवल पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें. इस पीरियड में नीति आयोग ने जो है ये लेकर आई गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिशन लाइफ को इंप्लीमेंट करती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. वाह, सिलोजिज्म है, क्या बात है. अच्छा हाँ, बाय द वे आई वांट टू टेल यू गाइस कि सीसेट पर अब फोकस करना शुरू कर दो. जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम लिखने वाले हैं, सीसेट पर अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. हर संडे को 10-10 वीडियोस में डाल दूंगा, टोटल 100 वीडियो है. हर संडे 10 घंटे की वीडियो बन जाए, अपलोड हो जाएंगे, और वो आप जो है वो कवर करना शुरू कर देना. ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं एप्लीकेशन में. अब देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं. अरे यार, प्रनीशा जी ऑनलाइन देख रही थी. अब लिंक मेरे पास भी नहीं है, वो तो ये डायरेक्ट ऐप से ही ओपन होता है. एनीवेज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोग को पता है किसका इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बताओ. कौन लेकर आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है.
बताइए। तो सोलर के लिए तो है नाम, वो तो लिखा ही हुआ है नाम, बाकी और कुछ बताओ जो नहीं लिखा है इसमें। इंडिया और फ्रांस जो है वो लेकर आए थे 2015, पक्का 2015 नहीं है यार, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बार कंफर्म करो। और बताओ इसमें क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, अभी नहीं, हमें देखने को मिलता है कि अभी सूर्य पुत्र करके भी इसमें लिखा नहीं है, चाहो तो लिख लो सूर्य पुत्र। सूर्य पुत्र जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किनको कहा है? हाँ यार 2015 का ही है, वेरी गुड 2015 ही है, सही लिखा, सही बोल आपका। सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र किसको बोला है? उन कंट्रीज को जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की हैं, दोस कंट्रीज हु लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वर टर्म एज सूर्य पुत्र बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा आपने कि जितनी भी कंट्रीज हैं इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो है वो आती है, वो सभी कंट्रीज का अलायंस है। 123 कंट्रीज है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 123 कंट्रीज का अलायंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो कंट्रीज मिलकर सोलर एनर्जी को जनरेट करेंगी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रोजेक्ट क्या है? एक सूर्य है, एक दुनिया है और एक ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? क्या होता है ग्रिड? खंबे, जो खंबे होते हैं ना, दैट वी कॉल ग्रिड। अब ये तो इलेक्ट्रिक कौन सी ग्रिड है? कन्वेंशनल ग्रिड है। अब सोलर ग्रिड मतलब कि सभी कंट्रीज जो है, यानी कि एक कंट्री कोई पावर जनरेट कर रही है सोलार पावर, तो वो दूसरी कंट्री को जो है वो शिफ्ट कर दे, राइट? तो ये चीज है। आपने अटेंड नहीं करी थी शायद रिन्यूएबल एनर्जी की क्लास, अटेंड नहीं करी ना अभी, एनवायरमेंट की क्लास मिस करी ना, उसमें पढ़ाया था ये, अभी भी पढ़ाया है, पिछले हफ्ते ही पढ़ाया ये सब। तो इंडिया का कमिटमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो समिट के अंदर हमें देखने को मिला कि 500 गीगावाट 2030 तक जो है वो हमें अचीव करना है। कार्बन इंटेंसिटी इंडिया की जो है वो मोर देन 45% जो है वो डाउन लेकर आना है 2030 तक। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो कार्बन अचीव करना है 2070 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज भी एक हमें देखने को मिलता है। ये एक नेटवर्क है जो प्रोवाइड कराता है एक्सेस एक्सपर्टीज को और मार्केट इनसाइट प्रोवाइड कराता है, मतलब जो भी हम लोग को नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में जो है वो जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराता है और नए नए इनोवेशंस को बूस्ट करने पर फोकस करता है, टारगेट करता है, क्योंकि नाम लिखा ना क्लीन टेक एक्सचेंज, कि आपस में कंट्रीज है वो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, नए नए इनोवेशंस के बारे में डिस्कशन करें, बनाएं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, ठीक है। सॉरी, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो वेटलैंड्स क्या होता है उसके बारे में आपको ऑलरेडी बताई दिया, वेटलैंड्स को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है वेटलैंड को बचाना? एग्जैक्टली, वो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, दैट्स व्हाई उसको बचाना बहुत जरूरी है, राइट? पंचामृत में भी थी ये सब चीजें, वेरी गुड महक जी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च किया है सेव वेटलैंड्स कैंपेन गोवा के अंदर। सेव वेटलैंड कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक बहुत ही दृढ़ एक्शन जो है वो लेना वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, राइट? और पूरी सोसाइटी, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज के अंदर लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा कि भाई वेटलैंड को बचाओ, और वेटलैंड मित्र के कवरेज को जो है वो बढ़ाया जाएगा, मतलब वो लोग जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी वेटलैंड एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं उसके कवरेज को बढ़ाया जाएगा। सिटीजन पार्टनरशिप जो है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो है वो बिल्डअप की जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को 1971 में एक रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये पूरा कन्वेंशन का नाम पता होना चाहिए, राइट? रामसर कन्वेंशन क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड है, तो वेटलैंड से रिलेटेड है, और इंडिया जो है वो इस पार्टी है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की, इंडिया ने साइन किया है, ज्वाइन किया है इस कन्वेंशन को, राइट? और अभी तक 75 वेटलैंड जो है वो एज अ रामसर के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है। 2023 की थीम जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड रीस्टोरेशन, जो हाईलाइट करती है कि हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है वेटलैंड को दोबारा से रीस्टोर करने की। तो वेटलैंड्स के बारे में आपको ऑलरेडी जो है बता दिया,
रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स को डिफाइन किया गया है। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में रख लेना कि कोई भी एरिया ऐसा हम लोग को मार्श एरिया देखने को मिलता है, फेन का है, पीटलैंड का है, या जहां पर पानी है, नेचुरल या आर्टिफिशियल है, राइट, परमानेंट या टेम्पररी भी हो सकता है, राइट, जहां पर पानी है, बहरा है या रुका हुआ पानी है, जहां पर फ्रेश ब्रैकिश या फिर सॉल्ट वाटर है। फ्रेश ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर का में क्या मतलब हम लोग को देखने को मिलता है, पार्ट्स पर थाउजेंड कितने, फ्रेश वाटर कितने पार्ट्स पर थाउजेंड है, ये पहली या दूसरी क्लास में पढ़ाया था मैंने, फ्रेश वाटर कितने पार्ट्स पर थाउजेंड है, 0 to 5 पार्ट्स पर थाउजेंड फ्रेश वाटर, और सॉल्ट वाटर कितने पार्ट्स पर थाउजेंड है, 35, और 5 to 35 ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कौन सा पानी होता है, किस पानी को ब्रैकिश बोलते हैं, पूछा था मुझसे, फिर बताओ, मैंने आंसर नहीं दिया था, फिर भूल गए, कितना क्या होता है भैया ब्रैकिश वाटर, किसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, कौन सा होता है ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश होता है, अच्छा, मिक्स फ्रेश वाटर और उसका मिक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ना सॉल्ट ज्यादा ना खार, मतलब वही डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल भी नहीं, डिस्टिल बोलेंगे क्या उसको, डिस्टिल नहीं बोलेंगे यार, डिस्टिल नहीं बोलेंगे, ये मिक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, बीच का जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब इंपॉर्टेंस की बात करें, अब देखो कार्बन सीक्वेस्टर है ये, मतलब कार्बन को भी सोखता है, कैसे कार्बन को सोखता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, ठीक है। फाइट क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करता है, डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स को रोकने का काम करता है, बफर का काम करता है, राइट। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पैराडाइज स्वर्ग है, राइट, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, राइट। टूरिज्म के लिए, कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने बात कर ली, मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड भी ध्यान में रखना, इस मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड ये पढ़ाया हुआ है वाला टॉपिक मैंने, हालांकि मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड का भी पढ़ाया था, राम मतलब जो भी पर्टिकुलर साइट जिसको बहुत ही सख्त आवश्यकता है प्रोटेक्शन की, तो वो मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड में चली जाती है और मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड से साइट हट भी जाती है, ठीक है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। इंडिया के क्या इनिशिएटिव है, तो इंडिया ने जो है वो एक कानून बनाया हुआ है, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, और 2010 के रूल्स के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है मतलब ये बनाई गई, और नया रूल 2017 का जिसने पुराने रूल को जो है वो रिप्लेस किया, स्टेट लेवल बॉडीज के भी जो है वो तैयार की गई, नेशनल वेटलैंड कमेटी भी जो है वो तैयार की गई, राइट। फिर एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का हम लोग को देखने को मिलता है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम मैंग्रोव कोरल रीफ एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये प्लान कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से 250 वेटलैंड्स को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया के अंदर रामसर साइट की जो है वो चर्चा करें हम लोग, टोटल 75 याद रखना है अभी के लिए। तमिलनाडु के अंदर मैक्सिमम नंबर है रामसर साइट का, फिर यूपी के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तामपारा लेक कहां पर है, क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना, ओडिशा के अंदर, राइट। रूशिकुलिया रिवर भी हम लोग को यहीं पर देखने को मिलती है, उसके राइट बैंक पर है, राइट। और हीराकुड रिजर्वायर हम लोग को ये भी ओडिशा के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, राइट, हीराकुड रिजर्वायर। महानदी डेल्टा का है ये, तो रिवर का नाम याद रखो और किस क्षेत्र में वो याद रखो। अनसुपल लेक जो है, झील जो है, ये भी ओडिशा के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, महानदी नदी का पानी आता है। ऑक्सबो लेक किसको बोलते हैं हम लोग, ऑक्सबो लेक, कौन सी लेक होती है ऑक्सबो लेक, पढ़ाया हुआ ये भी। कौन बताएगा, ऑक्स मतलब सांड, बो मतलब तीर, सांड तीर लेक, यही है क्या इसका मतलब, क्या है भाई ऑक्सबो लेक, बताइए एग्जैक्टली। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ये नदी है, ये नदी जा रही है, ठीक है ना, ये मान लो कि ये नदी जा रही है। अब हो क्या रहा है, नदी अपने साथ क्या लेकर जाती है, कंकड़ पत्थर लेके जाती है ना। अब मैं मान लेता हूँ कि नदी के कंकड़ पत्थर जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा होते गए होते गए होते गए। अब नदी ऐसे आ रही आई ऐसे जा रही थी, अब नदी ऐसे आके ऐसे निकल गई,
ये वाला एरिया जो है वो नदी से क्या हुआ, कट गया है ना, कट गई, अलग हो गया नदी से, तो ये जो लेक बन गई वो, ये पानी वाला एरिया जो है वो क्या बन गया, वो लेक बन गया, मिएंडरिंग स्टेज में कट होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिएंडर किसको बोलते हैं हम लोग, ये इसको जो सांप जैसी जाती है ना रिवर, तो इसको मिएंडर्स बोलते हैं ये, ठीक है। अब देखो ये नदी जा रही है पानी, ठीक है, अब पानी अपने साथ मिट्टी 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 लेके जा रहा है, एक जगह पर पूरी गिट्टी इकट्ठा हो गई, राइट। अब पानी ऐसे देखो, ऐसे मुड़ के ऐसे गया, देखो इधर देखो, ये ऐसे मोड़ा, ये ऐसे गया, ये ऐसे मोड़ा, ये ऐसे गया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो है वो गिट्टी इकट्ठा होना जो है वो शुरू हो गई, राइट, काफी सारी गिट्टी इकट्ठा हो गई, बीच बीच में हो गई, बीच बीच हो गई। अब नदी का ये वाला रास्ता जो था वो चेंज होकर ये वाला रास्ता निकल गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पानी जो है वो भरा रह गया, तो ये जो हो जाती है वो ऐसे लेक बन जाती है रिवर को छोड़कर, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यशवंत सागर बताओ, यशवंत सागर जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, यशवंत सागर, सागर वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है इंदौर और मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पर सैरस क्रेन भी जो है वो रहती है, ठीक है। फिर एक चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु पे है, ये चीज ध्यान रखना। फिर एक हम लोग को सुचिंद्रम थेरूर आद्र भूमि परिसर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो ये कहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, इसके बारे में लिखा नहीं है क्या, इसके बारे में नहीं लिखा, इसके बारे में लिख लो, हाँ प्लीज आ जाओ, क्या बात है, इतने सालों बाद नेक्स्ट ईयर आ रहे हो, ये बताओ भाई ये कहां पर है कॉम्प्लेक्स, ये लिख लो, ये भी तमिलनाडु में हम लोग को देखने को मिलता है, तमिलनाडु लिख लेना, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थेरूर तमिलनाडु में, इसमें लिखा नहीं हुआ है। ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ये क्या होता है, किसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, फ्लाईवे क्या है, किसको बोलते हैं बताओ, क्या ये एयरपोर्ट है, क्या ये प्लेन का रास्ता है, फ्लाईवे ये वो रास्ता है जिस रास्ते से चिड़िया जाती हैं, चिड़ियाओं का एक रूट होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड होती है ना, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया के अंदर आती है, जैसे कि जो हम लोग को ये देखने को मिलती है ऑक्सबो लेक वगैरह, कौन सी लेक्स वगैरह है, जैसे ओडिशा में एक काफी फेमस लेक है, क्या नाम है उस पर्टिकुलर लेक का, ओडिशा की एक लेक है, किसी को पता है ओडिशा की एक लेक का नाम, बहुत फेमस लेक है, जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि, हाँ पता है, कौन बताएगा मुझे, ओडिशा की एक बहुत फेमस लेक है, चिलिका लेक, वेरी गुड पायल जी, चिलिका लेक है, चिलिका ये लेक का नाम है, तो वहां पर आती हैं बहुत दूर दराज से ट्रैवल करके बर्ड्स, तो उनको पता होता है ना, उनको रास्ता पता होता है कि कहाँ से हमें जाना है, यहाँ पे इंडिया आएगा, तो दे नो, उनका एक रूट होता है, पता है ये रूट है, वो चाहो तो लिख लो, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज द रूट ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। और पता है अभी क्लाइमेट चेंज के कारण इनका ये अपना रूट भूल रही है, ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो ये तमिलनाडु के अंदर है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक हम लोग को वडुवुर, वडुवुर बर्ड सेंचुरी जो है वो देखने को मिलता है, वडुवुर बर्ड सेंचुरी, ये भी मेंशन नहीं किया इन लोगों ने, वडुवुर का भी जो है वो लिख दो, वडुवुर बर्ड सेंचुरी, वडुवुर बर्ड सेंचुरी अगेन लोकेटेड इन तमिलनाडु, लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो वडुवुर भी तमिलनाडु में है, सुचिंद्रम भी तमिलनाडु में, लिख लिया।
चलो थाने, थाने कहां पर है? मुंबई। तो थाने क्रीक हम लोग को देखने को मिलता है, ये महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है, राइट। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उल्हास नदी भी ध्यान में रखना, उल्हास नदी कहां पर है, ये भी यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलती है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फेमस है, फ्लैमिंगोस यहां पर आती हैं। एक हीगेम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है, झेलम नदी पर है, राइट। झेलम नदी पर हम लोग को देखने को मिलता है हीगेम। हीगेम वेटलैंड, जम्मू एंड कश्मीर। अरे लिखा भी तो है, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये स्टेट लिख लो क्योंकि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर। अब सुनो, हाइड्रो पावर क्या होता है? पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वेरी गुड। तो अब देखो, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, द टीम फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर, इसने स्टडी किया है हाइड्रो क्लाइमेट चेंजेस इन द कैचमेंट एरियाज एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इन 46 मेजर डैम्स लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। मतलब सिंपल शब्दों में, अभी आईआईटी ने, आईआईटी गांधीनगर ने एक स्टडी जो है वो इसी चीज के ऊपर कंडक्ट करी है। स्टडी ने क्या बताया, वार्मर और वेटर क्लाइमेट इज प्रोजेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट 5 to 33% इंक्रीज रेनफॉल। तो क्योंकि आपको पता ना कि टेम्परेचर लेवल जो है वो राइज होगा तो रेनफॉल होगी, इवेपोरेशन का सिंपल प्रोसेस भाई, गर्मी होगी, इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगी। एज अ रिजल्ट हाइड्रो पावर जनरेशन इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज बाय 9 to 36% फॉर मोस्ट ऑफ द डैम एंड दिस विल कम फ्रॉम इंक्रीज इनफ्लो 7 to 70% इन टू द डैम्स। तो अब पानी गिरेगा तो ऑब्वियस बात है कि फ्लो जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऐसी स्टडी बताई जा रही है। मतलब क्लाइमेट चेंज से इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो बढ़ सकती है, एक स्टडी बता रही है, बट लिखना मतलब इसको अभी अभी के लिए मेंशन मत लिखना, अंतिम एनालिसिस की 2-3 आर्टिकल्स ऐसे ना मिल जाए अपन को। तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया दोनों के लिए ही प्रोजेक्शन ये है कि हायर इंक्रीज ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल ज्यादा होगा, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, और इंक्रीज प्रेसिपिटेशन। और वैसे बता, ये वाले स्टेटमेंट को मैं नहीं मानता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ये निश्चित नहीं है कि कहां पर बारिश होगी, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इंक्रीज प्रेसिपिटेशन जो है वो ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा डैम के फ्लो को, ये वाली चीज बताई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण देयर विल बी साइमल्टेनियस राइज इन द एक्सट्रीम इनफ्लो एंड हाई रिजर्वायर स्टोरेज कंडीशन फॉर मोस्ट डैम्स। दिस ट्रांसलेट्स इनटू अ हायर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विच इज गुड, बट ऑन द फ्लिप साइड इट पोजेस चैलेंज टू रिजर्वायर मैनेजमेंट एंड लाइकलीहुड ऑफ डैम ब्रेक। ऑब्वियस बात है, ज्यादा पानी डैम होल्ड नहीं कर पाएगा और डैम फटेगा, तो ये भी रिस्क जो है ये बता रहा है। तो हाइड्रो पावर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलती है, पावर जनरेट करती है, राइट। तो हाइड्रो पावर जो है उसको ग्रीन एनर्जी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करती है नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर से, इसमें फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जनरेटर्स जो है वो लगे रहते हैं। हिमालय जो है वो मेजर वाटर सोर्स है। कैसे हिमालय मेजर वाटर सोर्स है? क्या हिमालय में बारिश ज्यादा होती है? किसने कहा? हिमालय में ग्लेशियर है ना, तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ग्लेशियर फ्रेश वाटर है ना। यस, ज्यादातर कंट्रीज रीजन के अंदर जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, दे हैव बिल्ड और आर प्लानिंग टू बिल्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमालयस। और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हाइड्रो पावर को एक की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर। काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडियन हिमालयस में, राइट। अब ये सब थोड़े प्रोजेक्ट के नाम थोड़े से ध्यान में रखना। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तीस्ता लो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सिक्किम में, राइट, ठीक है। अब चैलेंजेस और कंसर्न हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो बिल्डिंग और मेंटेनेंस बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स का, तो ये एनवायरमेंट इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी आप बड़े बड़े डैम्स जो है वो तैयार करोगे तो एनवायरमेंट पर इंपैक्ट होगा। कैसे इंपैक्ट होगा डैम बनाने से एनवायरमेंट पे, बताओ? आप डैम बनाओगे तो एनवायरमेंट कैसे नुकसान होगा एनवायरमेंट का? डैम बनाने से पेड़ काटने का क्या रिलेशन? डैम तो नदी के बीच में होगा ना, तो नदी में थोड़ा पेड़ उग रहा है। फिर
कौन बताएगा? तीन पॉइंट्स बताओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक्वेटिक लाइफ डैमेज होगी है ना, और मछलियों को प्रॉब्लम होगी ना वहां पर, जो एक्वेटिक लाइफ है एक बैरियर आ जाएगा उनके सामने। और तीन बताने, एक हो गया लैंड। क्या एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा, सही है शायद, सही बता दोगे। आप सोचो नदी का पानी जो है वो आ रहा है, आपने उसको रोका तो पानी का क्या होगा? पानी रुक जाएगा, फिर क्या होगा? आपने जैसे कि एक पानी की लेयर है, ठीक है, पानी की लेयर जा रही है, उसके बीच में आपने दीवार जो है वो लगा दी, सुनामी का आएगी। आपको ये नहीं लगता कि ऐसे पानी ऐसे जा रहा है, मैं अगर बीच में कुछ चीज लगाऊंगा तो ये हल्का सा बीच वाला एरिया ऐसा हो जाएगा, वाइट नहीं होगा है ना, वाइट नहीं होगा, वाइट होगा। तो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? वहां पे कोई अगर आबादी रहती होगी तो उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, राइट? तो रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम पब्लिक की। और आसपास वाले एरिया पर पेड़ पौधे प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती है, उनको नुकसान नहीं होगा, उनको नुकसान होगा, राइट? अर्थक्वेक। चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कैन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ, हाँ, नदी के पानी के फ्लो को खराब करता है, डिस्टर्ब जो है वो करता है। इसमें वाटर टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं, वाटर की केमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं, इरोजन हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, राइट? तो ये सब इंपैक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने डिस्कस किया। देखो फिश के माइग्रेशन यानी कि एक्वेटिक स्पीसीज को इंपैक्ट होगा, राइट? हैबिटेट लॉस होगा, काफी सारे लोगों का जो घर है, राइट, उनको वो छोड़ के जाना पड़ेगा, स्पीसीज का घर जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट? काफी सारी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनका लाइवलीहुड, उनका कल्चरल हेरिटेज जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। माइक्रो हाइड्रो पर काम जो है वो किया जाए, स्मॉल स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पर काम करो, तो ये सजेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। सिस्टम ऐसा यूज करो कि जिसमें फॉलिंग वाटर का उपयोग जो है वो करो, रेदर देन डैम बनाने की जगह। बट उसके लिए भी तो आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पानी को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। माइक्रो हाइड्रो सिस्टम्स सस्ते पड़ते हैं, बस यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो गुड न्यूज बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है मोर हाइड्रो पावर जनरेशन इंडिया के अंदर लेकर आएगी, और बैड न्यूज ये है कि डैम हेल्थ की इम्पैक्ट। अच्छा, अपने यहाँ तो मेजर डैम्स का भी इशू है, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम है जो जिसको मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा है प्रॉपर टाइम पर, राइट? ठीक है। इंडिया फोर्थ ग्लोबली, चौथे नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में, ये चीज याद रखना। चौथे नंबर पर है विंड पावर कैपेसिटी के मामले में, चौथे नंबर पर है सोलार पावर कैपेसिटी के मामले में। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 5 पर है इंडिया, जिसने 2030 के टारगेट को अचीव कर लिया है, बोल रहा है कि जिसके थ्रू ये इंश्योर कर रही है कि नॉन फॉसिल्स, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अब ये टॉपिक 90% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुआन्स, मुआन। तो अब ये टॉपिक ध्यान से सुनना कि मुआन्स जो है वो होते क्या है। तो ये स्पेस से जो है वो एक हम लोग को पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो आते हैं, तो साइंटिस्ट जो है वो उपयोग कर रहे हैं आउटर स्पेस पार्टिकल्स का, जिन्हें बोल रहे हैं मुआन्स। तो क्या है ये? पहला पॉइंट, आउटर स्पेस पार्टिकल है। तो ये बेसिकली जांच करने के लिए जो जियान सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, एंशियंट सिटी है चाइना की, उसके फोर्ट्रेस जो है उसकी जांच करने के लिए, अब चाइना की जो दीवार है ना, वॉल ऑफ चाइना, तो उसकी जांच करने के लिए जो है वो आउटर स्पेस पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। इन्होंने मुआन डिटेक्टर का उपयोग किया है, जिसे कॉर्मिस कह रहे हैं, कॉस्मिक रे मुआन इमेजिंग सिस्टम, वॉल जो है जियान सिटी की, उसको उसकी जांच करने के पर्पस के लिए। अब मुआन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये तो ठीक है, ये न्यूज है। मुआन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, स्पेस से आते हैं, पहला पॉइंट कहां से आते हैं, स्पेस से आते हैं। ये क्रिएट होते हैं जब पार्टिकल्स धरती के एटमॉस्फेयर से कोलाइड होते हैं। तो जब इनका क्रिएशन कैसे होता है, ओरिजिनेट कैसे होते हैं ये, कि जब धरती के एटमॉस्फेयर से ये पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड करते हैं, राइट, कॉस्मिक रेस, जो कॉस्मिक रेस हम लोग को देखने को मिलती है ना स्पेस की, तो उससे जब ये कोलाइड होता है तब उस समय ये पार्टिकल जो है वो डेवलप होता है। और ये कॉस्मिक रेस जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल है जो स्पेस में मूव करता है,
एडजस्ट बिलो द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम कॉस्मिक रेज हम लोग को देखने को मिलती है. और एटम तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर के, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. राइट, एटम से भी छोटा सब एटॉमिक, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में आपको पता होगा. अब मुओन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो क्या डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है. मुओन्स बिल्कुल सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट इनका वेट जो होता है वो 207 गुना जो है वो ज्यादा होता है. अभी इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है. राइट, अब डिफरेंस जो है वो एक एडल्ट पर्सन में और एक छोटे हाथी में तो उतना वेट का डिफरेंस जो है बताया जा रहा है, और इसलिए इनको फैट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुओन्स आर ऑल्सो नोन एज फैट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर वेट, बट इतना ध्यान रखना क्योंकि इनका वेट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. मुओन्स काफी हैवी होते हैं, दे कैन ट्रेवल थ्रू 100 ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक और अदर मैटर्स इन कंपैरिजन. इलेक्ट्रॉन्स कैन पेनिट्रेट थ्रू ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स. ठीक है, हैवी होने के कारण जो है वो रॉक्स के अंदर तक जो है वो चले जाते हैं. मुओन्स जो है इट एग्जिस्ट फॉर ओनली 2.2 माइक्रोसेकंड बिफोर दे डीके, सड़ने से पहले, खराब होने से पहले 2.2 सेकंड तक ही जो है ये नजर आता है. ठीक है, बस इतनी सी चीज ध्यान रखो. मुओग्राफी जो होती है ये एक टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है. इट एक्सप्लॉइट्स द पेनिट्रेशन केपेबिलिटी ऑफ मुओन, ये चेक करती है कि कितना पेनिट्रेट करेगा मुओन, कितना जो है वो एक डिवाइस के अंदर जो है, मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो जा सकता है. ठीक है, सिमिलर होती है मुओग्राफी एक्सरे की तरह ही होती है, बट ये स्कैन कर सकती है मच लार्जर और वाइडर स्ट्रक्चर को. ठीक है, टेक्निक का पहली बार 1960 में उपयोग किया गया था, किसने किया था, क्या किया गया था, वो सब चीजें स्टेट पीएससी वगैरह पूछती है, यूपीएससी में उतना कुछ खास नहीं है, एक जनरल बस ध्यान में रखना. आर्कियोलॉजी में जो है इसका उपयोग किया जाता है पहली बार 1960 में, नोबल लॉटरेट और यूएस एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट लुइस एल्वेरेज, इन्होंने जो है वो इजिप्टोलॉजिस्ट के साथ जो है वो मिलकर हिडन चैम्बर जो है पिरामिड के उसको सर्च किया था. आपको पता है ना पिरामिड के अंदर चैम्बर्स भी है बोलते हैं, मम्मी रहती है ना पिरामिड में, पता है आपको, मम्मी को गाड़ा हुआ है. मम्मी क्या होता है, अपनी मम्मी नहीं, मम्मीज बोलते हैं ना, वो पट्टी बांध के जो रहते हैं. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन को डिटेक्ट करने में ये काम आता है. न्यूक्लियर प्लांट्स में मुओन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है डेंजरस न्यूक्लियर मटेरियल को. राइट, ठीक है, और भी काफी सारी चीजों में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है. ठीक है, अब खेलते हैं कौन बनेगा आईएएस, मुर्दा गेम. चलो आओ, पहला क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन. सेकंड लग रहा है कि सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सी दोनों करेक्ट है, मुझे दोनों इनकरेक्ट लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं. मुझे वेटलैंड रिजर्वेशन की जगह वेटलैंड रीस्टोरेशन याद आ रहा है. एक बार देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर. वेटलैंड वाला टॉपिक कौन सा था, ये वेटलैंड रीस्टोरेशन, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया. और इंडिया के अंदर 76 नहीं 75 है, अभी डिस्कस किया था ना अपन ने, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. देखो ये लिखा है टोटल 75 रामसर साइट, तो डी पक्का है, डी डी डी. ठीक है, क्लियर, अभी आ जाओ. ओहो, ये तो खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया. इसमें लिखा है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है. बी वाला सही नहीं है, उड़ीसा में था कि तमिलनाडु में था. ए ओनली वन पेयर, बी ओनली टू पेयर. चलो ये बताओ तंपारा लेक जो है वो कहां पर है,
चिली का लेक का पता है? नहीं, तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि चिली का लेक ही उसके अलावा और कोई ना हो। देखो यशवंत सागर तो मध्य प्रदेश में है ना, और मुझे लग रहा है तंपारा भी उड़ीसा में है, और ये चित्रंगुड़ी जो है, क्या नहीं, चित्रंगुड़ी तमिलनाडु लग रहा है। हाँ मैं तंपारा की बात कर रहा हूँ, ये उड़ीसा में ही है, तो इसका इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बनोली होना चाहिए। तो ये बनोली इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पक्का 100% लॉक कर दें। बोलो ठीक है, देखने का नहीं है अभी। चीटिंग हो रही है। सी जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। मिशन लाइफ बताओ, क्या ऑब्जेक्टिव है मिशन लाइफ का? ओला जी है ये लोग। डी पक्का, जो आपने अभी अटेंड नहीं किया था ना, डी करेक्ट होगा। अरे बी क्यों बंद बोल दिया इसने, एक मिनट रुको। डी मतलब दूसरा गलत है, पहला भी तो गलत है। एम्स टू मोबिलाइज एटलीस्ट, अच्छा 1 नहीं, अदर ग्लोबल वो भी है, 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इन द पीरियड 2020-2028। बी कैसे होगा सिर्फ? ए सही, अरे हाँ ए सही है ना यार, सॉरी हाँ ए सही है। हाँ तो बी इनकरेक्ट होगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ए सही है। ठीक है ठीक है, अब बताओ, ये तो बता दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टारगेट से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड दोनों ही सही है। अभी बताओ मुआन्स, ये तो अभी पढ़ा है, सी मतलब पहला और दूसरा सही है विद कौन सा, डी तीनों सही है। अरे बताओ जरा, क्या मुझे बताओ क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है बी। अब मुझे ये बताओ, ये मुऑन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्या लिखा है? तो ये गलत हो गया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे उलझाते हैं। अनुष्पा लेख, पक्का? राणा जी ने डैश मार दिया, स्किप कर दिया गया। अच्छा वो नेगेटिव लिखा है। अनुष्पा बताओ, ए ओडिशा करेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था ये, थोड़ी देर में हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। और प्रनीशा जी आ रहे हो आप अभी कि नहीं आ रहे हो क्लास में? ठीक है, आज कौन सी क्लास है अपनी? ज्योग्राफी। ठीक चलो साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। सो गाइज, अगर आपको प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, झा सर अकेडमी फॉर IAS।
आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी www.jhasarakademyforias.com। उस वेबसाइट के जरिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी समस्या अगर आ रही है तो 9713282838 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर सिविल सर्विसेज की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन है और ऑफलाइन बैच के लिए भोपाल मध्य प्रदेश में नीचे आपको एड्रेस पूरा मिल जाएगा, वहाँ पर आकर आप ऑफलाइन भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम प्रॉपर आपके नोट्स जो है वो लिखवाते हैं, प्रॉपर आपको PDF देते हैं, समय समय पर टेस्ट भी जो है वो आपके कंडक्ट किए जाते हैं, और दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों में। सो बढ़िया से तैयारी करिए और जल्दी जल्दी ऑफिसर बनिए। जय हिंद।